हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, पीडियाट्रिशियन भी हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, एस्मा एलर्जी इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम जो चल रहा है, इस मौसम में हर तरह के कीड़े मकौड़े निकल रहे हैं, एंड वन थिंग जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों के घर में है और वो है मच्छर। और आज मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ डेंगू के बारे में, जो कि आई एम श्योर अपस्विंग पर आएगा या आ चुका होगा। डेंगू होता कैसे है, सबसे पहले उसके बारे में आप बताइए। पहले तो ये है कि डेंगू होता है साफ़ पानी में, बरसात के मौसम के बाद सबसे ज़्यादा, जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। या जो लोग कंटेनर्स में पानी रखते हैं, जिनके घरों में पानी नहीं आता, वो कंटेनर्स में पानी जमा करके रखते हैं, तो अगस्त के महीने से लेकर सेप्टेम्बर तक महीने में ये डेंगू वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंडे मलेरिया मच्छर बना रहे होते हैं। ठीक है। ये वाले जो मच्छर हैं, एडीज प्लाई जो मच्छर है, वो मच्छर जो है जाके हर जगह जाके फैल जाता है। सही है। जो साफ पानी में फैलता है। दूसरा, लोगों के पास घरों में पॉट्स होते हैं जहाँ पर पानी जमा हो सकता है, टायर्स होते हैं, टायर्स के बीच में अंदर जो पानी जमा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हमारे घर में टैंकी बनी भी होती है, कहीं कहीं छोटा मोटा खड्डा बना हुआ हो, कहीं आपने गार्डन में कबूतर या परिंदों को पिलाने के लिए पानी रखा हो, उसमें आके ग्रो हो जाते हैं, फिर आपने उधर जाके बैठ गए, वहाँ ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तो दो चार बनते हैं, फिर ये ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू होता है। और उसके टाइमिंग जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर शाम में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये दो ऐसे टाइम हैं जिसमें ये ग्रो करते हैं ज़्यादा। फिर जो साफ पानी होता है उसमें ये रह जाते हैं। अब जब आप ज़्यादातर हमारे मुल्क में आप देखें, या ऐसे मुल्कों में जहाँ पे लोग रोडों पे जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा जो है वो डेंगू के असरात फैलते हैं। ठीक है। पहले तो ये है कि कैसे फैल रहा है, करता क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही काटता है वो बुखार करवा देता है। उसकी लाइफ साइकिल 72 आवर्स में। अब जैसे आपने कहा कि मैं तो 2 दिन 3 दिन में तो बैठा ही नहीं हूँ, अब अगर 72 आवर्स से पहले अगर आप कहीं बैठे हैं बाहर, तो किसी मच्छर ने आपको काटा है, वो भी डेंगू मच्छर ने, तो आपको ऑफकोर्स वो चीज़ 72 आवर्स के बाद इसके असरात नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जब आपको एक दफ़ा डेंगू का मच्छर काट गया, वंस इट्स बिटन यू, तो उसके बाद आपको बुखार आपने का पहला सिम्टम है, बट बुखार के साथ कभी क्या नज़ला हो सकता है, कौन कौन से सिम्टम्स इनिशियल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं? पहले तो तेज़ बुखार होता है, 104-103 बुखार होना शुरू हो जाता है, जिस पे कई दफ़ा हम डायग्नोस फौरन नहीं बना सकते कि डेंगू है या दूसरा कोई वायरल इलनेस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर टाइफॉइड है। वो भी इसी महीनों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के महीने में जो साफ़ पानी जो हो रहा होता है उसमें गटर का पानी मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो लोग जो पी रहे होते हैं पानी, या जो हमारे बाहर से जो गोश्त धुल रहा होता है, या हमारा जो फ्रूट्स धुल रहे होते हैं, जो हम खा लेते हैं, रॉ फूड खा लेते हैं, उससे आपको सबसे ज़्यादा टाइफॉइड भी हो रहा होता है। तो डेंगू, टाइफॉइड और मलेरिया एक साथ ही इन्फेक्शस डिजीज़ की सबसे ज़्यादा ये सिम्टम्स आते हैं अगस्त और अक्टूबर के बीच में। इसमें जो डेंगू हो अगस्त और सेप्टेम्बर में होता है। सही। सेप्टेम्बर के बाद वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसके बाद ये जब आपकी बॉडी में घुसता है तो आपको बॉडी एक बहुत सीवियर कराता है। सबसे ज़्यादा आपके जो पेन होता है वो बैक में होता है फीवर के साथ। वो किसी भी फीवर में, यानी अगर टाइफॉइड का फीवर है तो आपके पेट में दर्द होगा, मलेरिया का फीवर होगा तो पेट में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, आपको सीवियर किस्म के चिल्स होंगे। डेंगू में फाहिर डेंगू है जिसमें सीवियर किस्म का बैकएक होता है और यूवाइटिस होता है। यूवाइटिस का मतलब होता है सीवियर किस्म का आई में ज़बरदस्त किस्म का पेन होना आँखों में। इसके बाद जब ये सिम्टम से आप गुजरते हैं तो आपको पूरी बॉडी में रैश पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं डेंगू रैश। ये भी किसी इन्फेक्शस डिजीज़ में रैश नहीं होता, एक्सेप्ट के मीज़ल्स, चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स ना है, उसके रैश सबके डिफरेंट है। और डेंगू रैश पूरी बॉडी रेड हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो कुछ लोग तो समझते हैं कुछ अजीब सा वायरस फैल गया, लेकिन ये सारा डेंगू ही है। फिर इसके बाद आपके जो है बॉडी में इतना सीवियर पेन होता है, ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं,
मुझे हो चुका है और मुझे बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तबीयत साफ हो गई बिल्कुल। मुझे एक दफा हुआ ऐसा लगता है कि इंसान को फीवर नहीं उतरता किसी भी मेडिसिन से, किसी पेन मेडिसिन से दर्द नहीं जाता, बिल्कुल दर्द भी नहीं जाता। और प्लस साथ में जो है आपके पाँव में, घुटनों में और बैक में इतना पेन होता है कि आप बिस्तर से खड़े ही नहीं हो सकते, आपको ऐसा लगता है कि आप खड़े होंगे और आपकी कोई हड्डी टूट जाएगी। इसी तरह एक और वायरस है डेंगू के साथ, वो है चिकनगुनिया, जिसमें सिम्टम्स तो डेंगू की तरह होते हैं मगर पैकेक, आंखों में दर्द, रैश ये नहीं होता। चिकनगुनिया में होता मलेरिया की तरह ही फीवर है 103-104, मगर बहुत सीवियर पेन इतना पाँव में होता है कि आप पाँव से खड़े नहीं हो सकते बिस्तर से। तो ये भी एक वायरस पिछले दिनों में था, पिछले सालों में था सॉरी। अब वो वायरस थोड़ा सा कम हो गया बट स्टिल ये मुझे तो लगता है कि ये मिक्सचर ऑफ डेंगू और चिकनगुनिया ही चल रहा होता है जब भी हम इसको डायग्नोस करते हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जिनको डेंगू होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट दे हैव टू फेस इज के बार बार हर रोज़ तकरीबन, मुझे जब हुआ था तो एवरी डे आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल और एक प्लेटलेट टेस्ट होता था, एक CBC नॉर्मल होता था, प्लेटलेट्स चेक करते थे। प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं डेंगू में? बहुत ज़बरदस्त सवाल है जिसका लोगों को पता ही नहीं है कि डेंगू करता क्या है। जैसे मलेरिया है, लोग कहते हैं मलेरिया में तो कुछ नहीं होता, कोई चीज़ गिरती नहीं है। चिकनगुनिया उसमें तो कुछ नहीं गिरता। टाइफॉइड में सिर्फ WBCs बढ़ते हैं या न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं या ब्लड कल्चर में टाइफॉइड आ जाता है। ये एक वाहिद मर्ज है जिसमें प्लेटलेट्स या WBCs गिर जाते हैं। होता क्या है कि डेंगू के मच्छर ने जिस दिन काटा आपको, उसके 72 आवर्स आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही होती है। उसके बाद आपके आता है फीवर, इन्फ्लेमेशन हो गई बॉडी में, फीवर होना शुरू हो गई। आपके जो अंदरूनी पानी है, अंदर वाला पानी, वो आपके बाहर वाले हिस्से के पानी में, जिसको हम इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, उसमें पानी जो है उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। जैसे पानी निकलता है तो आपके यहाँ आना, जब यहाँ आता है तो आपका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू होता है। आपके छोटे 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 ज़र्रात निकलना शुरू हो जाता है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, बाइकार्ब है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है। प्लेटलेट्स और WBCs उसके जो ज़र्रात का साइज़ है वो बहुत छोटा है, और सोडियम पोटाशियम बाइकार्ब कैल्शियम मिनरल्स जितने भी हैं उनके जो ज़र्रात है थोड़े से बड़े हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये ज़र्रात गिरना शुरू होते हैं और ख़ुद ब खुद जो है प्लेटलेट्स भी उसके साथ निकलना शुरू होता है। Okay. एकदम जो है प्लेटलेट्स गिरते हैं, इसके साथ WBCs गिरते हैं। डॉक्टर साहब, शाजिया ने एक सवाल पूछा था कि छोटे बच्चों को अगर डेंगू हो और उसके लिए सिरप्स भी आ रहे हैं, उनकी ए प्रिवेंशन और बी कि अगर हो जाए तो केयर क्या है। एक छोटा सा पहले हम एक डिस्कस कर लें कि जब डेंगू, मैंने आपको बताया था कि डेंगू के साथ प्लेटलेट्स कैसे गिरते हैं। इसके बाद आप जब फ्लूइड्स लेना शुरू करते हैं, रेस्ट लेना शुरू करते हैं, हाई न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तब वो 6 डे पे जाके डेंगू प्रॉपर तरीके से आपके कवर होना शुरू होता है। 6 डे के बाद आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होता है। उसके बीच में अगर आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा गिर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट वेल, तो आपको IV फ्लूइड्स लगाना लाजमी है। डॉक्टर अगर कहें और आपने अगर IV फ्लूइड्स नहीं लगाया तो आपके प्लेटलेट्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे। यू नीड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन फ्लूइड्स चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके न्यूट्रिशन को डेवलप करें, तब जाके आपके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। साथ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जैसे फॉलिक एसिड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ विटामिन डी, विटामिन ए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बोन मैरो को भी एक्टिवेट करते हैं क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है उसमें। छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ ऐसा हो रहा है तो पहले तो प्रिवेंशन के लिए है कि जब आप, मैंने आपको एक टाइमिंग बताया कि उस टाइमिंग पर आपको लेके नहीं निकलना है बच्चों को, लेके भी निकलना है तो फुल स्लीव पहनानी है। घर के इर्द गिर्द आप एक जो स्प्रेज आते हैं, मॉस्किटो स्प्रेज आते हैं, वो करें डीजल के साथ, कि आपके स्प्रे से वो मच्छर जो हैं सारे मर जाएं। मारना ज़रूरी है और उनके अंडे मारना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पानी जमा है, साफ़ सुथरा पानी हो या गंदा पानी हो, उसमें ज़्यादा स्प्रेस करें कि वो मर जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको कोकोनट ऑयल, लेवेंडर ऑयल के साथ लगाएं पूरी बॉडी पे, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि छोटे बच्चों को ये जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स होते हैं ये, ज़्यादा बेटर है कि कोकोनट ऑयल के साथ लेवेंडर ऑयल मिला के लगा दें, वो ज़्यादा बेटर है। साथ में एक छोटी छोटी लाइट्स आती हैं, आपने देखी हो, रेडियम लाइट्स आ रही हैं आजकल, वो आपके इर्द गिर्द रखें, कहीं भी आप रख हैं तो आप वहाँ रखें। मॉस्किटो को बचाने के लिए बाहर की तरफ मॉस्किटो कॉइल्स रखें, जो भी घर के बाहर, अंदर ना रखें क्योंकि उससे
किसी को अगर दमा है या एलर्जीज है तो ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली उनका एक सवाल था कि पपीते के पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट है, जिसके सिरप्स आते हैं, जिनका उन्होंने नाम दिया बहन ने, उसको आप पिलाएं, बिल्कुल पिलाएं, वो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी पिला सकती हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको घर पे भी बना सकते हैं, इससे सेम थिंग, बट कड़वा इतना होता है तो हम कुछ चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, जैसे पपीते के पत्ते के ताज़े लीव्स लेने होते हैं उसमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ताज़े लीव्स, उसके अंदर थोड़ा सा आपने, जब आपने सेब का जूस मिलाना है, अदरक का जूस मिलाना है, आपने वो मिला लिया, उसके बाद पपीते के पत्तों को क्रश करना है उन जूस के साथ, उसके अंदर विटामिन सी के तौर पे यूज़ करने के लिए आपने लेमन मिला दिया, तो उससे एक तो स्मूदी बन जाती है, और वो पूरा जग अगर बन जाता है तो बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चा है तो आधा जग ले ले और बड़ा है तो पूरा जग जो है वो पूरे दिन में पीता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सट्रैक्शन जो है, क्योंकि पपीते के पत्ते में कुछ चीज़ें ऐसे हैं, एक तो मिनरल्स बहुत हैं उसमें, ठीक है, अगर आप रिसर्च करेंगे इसमें मिनरल्स बहुत हैं। दूसरी, एक ज़माने में एक तो ये कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता था उसके, दूसरा जब भी पुराने वक्तों में आप देखें तो पपीते के पत्ते का हमेशा एक्स्ट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, या पपीते पत्ते को कभी भी ज़ख्म लगता है तो उसकी इन्हेलेशन जो हीलिंग प्रोसेस के लिए हम इसको बांध देते थे, तो वहाँ हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती थी, तो ये भी यही काम करता है, मैंने आपको कहा कि ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है उसको जाके वो रोकना शुरू कर देता है, जब वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस रुकेगा और वहाँ से जो भी आपके ज़रात निकल रहे हैं वो खुद ब खुद वहाँ पे हीलिंग होना शुरू होगी, तो खुद ब खुद आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सही, इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स एंड विटामिन लेना ज़रूरी है, ये जो मैंने आपको स्मूदी बनाना का तरीका बताया वो ले, खुद ब खुद आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स गिर रहे हों, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहे हों, या आपकी सेहत अच्छी ना हो, गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के पास जाएँ, अताई डॉक्टर के पास बिल्कुल ना जाएँ, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरह प्लेटलेट्स को सही तरह किया जाता है या आपकी सेहत को कैसे देखा जाए, वहाँ जाके आप आई वी फ्लूइड्स लगाएं, अगर हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं तो घर पे आई वी फ्लूइड्स लगाएं, खुद ब खुद आपकी सेहत बेहतर होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या डेंगू एक ऐसा मर्ज है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है या बार बार भी हो सकता है? डेंगू बार बार हो सकता है उसके लिए एक टेस्ट है जो डेंगू NHS-1 करवाते हैं, डेंगू IgM IgG करवाते हैं। IgM का मतलब नया टेस्ट है, नया इन्फेक्शन है, IgG पुराना इन्फेक्शन है। अगर आपने रीसेंट में कराया और आपका IgM IgG दोनों पॉजिटिव आ गया, मतलब आपको पुराना इन्फेक्शन भी हुआ है और नया इन्फेक्शन भी हुआ है। अब डेंगू IgM जो है, आपकी डेंगू IgM जब नेगेटिव आएगा तो IgG पॉजिटिव हो जाएगा, पुराने जो इन्फेक्शन है दोबारा री इन्फेक्शन होगा तो बहुत ख़तरनाक तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है, और उसको जो है उसमें सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है, और डेंगू जो है सेप्टिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो सेप्सिस की तरफ भी जा सकता है, जिसमें वही आपके ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जाते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं आता, यू नीड ICU केयर। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ फ्लूइड्स की ज़रूरत है, समटाइम्स यू नीड ICU केयर, समटाइम्स यू नीड प्लेटलेट्स, अगर 20,000 से नीचे हैं तो प्लेटलेट्स की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वरना कभी कभी अगर आपके धब्बे पड़ना शुरू हो तो आपको मेगा प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसी बहुत सारी काफ़ी डेंजरस बीमारी है, इसको बिल्कुल लाइट ना लें, बिल्कुल ना लें, लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पर इसका इलाज मुमकिन है, बट कभी कभी इसका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, आपका इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने छोटे से टाइम में देने का बहुत बहुत शुक्रिया।